हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, अरवी के पत्ते की जूरी। तो ये जूरी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए, इसको हम कैसे बनाए हैं, इसको हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ये अरवी के पत्ता लिए हैं हम, और इसको हम धोकर काट लिए हैं, और इसमें हम बेसन डाले हैं, और इसमें कुछ मसाला डाले हैं, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाले हैं, और इसमें हम थोड़ा सा 2 चम्मच चावल के आटा डाल दिए हैं ताकि ये कुरकुरा बने और इसका स्वाद भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, इसको हम सान लिए हैं इस तरह से, और इसको एक पेड़ा बनाकर इस तरह से हम ये 2 पत्ता लिए हैं अरवी के, इसमें हम इस तरह से लपेट देंगे दोनों तरफ से, देखिए, ताकि बाहर ना निकले बेसन। और इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे, देखिए दोनों तरफ से दबा के। अब हो चुका, अब इसमें हम धागा से इसको हम बांध देंगे, तो इसमें हम धागा लपेट देंगे केवल। तो देखिए, इस तरह से लपेट देंगे थोड़ा सा गाढ़ा, चारों तरफ से लपेट कर रख देंगे। तो देखिए, ये जूरी बनकर तैयार हो गया है, अब इसको उबालेंगे। तो हम पहले नंबर सब जूरी को बना लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम पूरा धागा लपेट दिए हैं, अब इसको हम रख देते हैं, और दूसरा हम जूरी बनाकर तैयार करते हैं। तो देखिए, इसके लिए भी इस तरह से हम बेसन ले लेंगे, और इसका एक पेड़ा बनाएंगे लंबा सा, और इस तरह से थोड़ा सा लंबा करते हुए इसको अब पत्ता में रख देंगे, इसको चारों तरफ से हम फोल्ड कर देंगे इसमें। देखिए, देखिए इसको अब हम धागा से बांध देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम सभी अब जूरी बना लिए हैं। तो देखिए, ये हम कढ़ाई लिए हैं, और इसमें हम पानी डाल दिए हैं, और एक प्लेट डाले हैं। आप चाहें तो स्टैंड होगा आपके पास, तो स्टैंड डालकर इसमें उबाल सकती हैं। तो देखिए, हम डाल दिए हैं, और अब ये उबल चुका है, इसको हम चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए, ये अब पक चुका है और ठंडा भी हो चुका है, तो इसको हम पूरा धागा निकाल देते हैं। देखिए कितना आराम से धागा निकल जा रहा है। अब इसको हम पीस पीस में काट लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया से कट रहा है, बहुत बढ़िया से उबल चुका है, और ये ठंडा हो गया है तो कड़ा हो गया है। देखिए, हम पूरा पीस को काट चुके हैं अब। इस तरह से, तो चलिए अब हम कढ़ाई को गर्म करते हैं, अब इसको हम तलेंगे अब। तो देखिए, हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा चुके हैं, और इसमें तेल डाले हैं, तो तेल भी गर्म हो चुका है। और इस तरह से हम सभी जूरी को पीस पीस में हम डाल देंगे। अब देखिए, एक तरफ से लाल हो चुका है, तो इसको हम पलट देते हैं। कितना बढ़िया लाल हुआ है, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा देखने में, बिल्कुल मछली की तरह दिख रहा है। देखिए, बहुत ही शानदार बना हुआ है जूरी।
इसको हम सबको पलट देते हैं, दोनों तरफ से इसको हम लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए कितना मछली की तरह बन चुका है। अब ये जूरी बनकर रेडी हो चुका है, तब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा ट्रिप हम डाल देते हैं इसमें। तो दोस्तों, आप इस तरह से अपने घर में जूरी बनाकर खाएं और बताएं कि ये जूरी आपको कैसा लगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रही हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।